कर दिल को लिया था मुझे न झूठी बात सुना मेरा दिल भर आएगा ओ मेरे दिल बाजा मेरे दिल बाजा मेरे दिल बाजा ओ मेरे दिल बाजा मेरे दिल बाजा मेरे दिल देखो आया मेरा दिलवा देखो आया मेरा दिलवा मेरा दिलवा चांद चांद हो मेरा दिलवा आया मेरा दिलवा मेरा दिलवा ये तो क्यों बुराई था अब दो घड़ी में मुंडिया बाजेगी बाबा क्या नाच था संगीत की लहर से क्या नहीं चला शुक्रिया शुक्रिया अच्छा आदावर आदावर मुरारी बाबू आज का प्रोग्राम कितना शानदार रहा तुम्हारे संगीत और मेरे नाच ने सारे लाहौर में धूम मचा दी हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है अच्छी तो है लेकिन माफ कीजिए हम अब थिएटर छोड़कर जा रहे हैं ये क्या कह रहे हो ये देखिए ना सर बम्बई की प्रेम फिल्म कंपनी में हमें म्यूजिक डायरेक्टर की जगह मिल गई है नई जगह मिली और पुरानी जगह को भुला दिया लेकिन मैं तुम्हें ऐसा न करने दूंगी इस थिएटर को वीरान करके तुम यहाँ से नहीं जा सकते देखिए साहब जब तक हो सका हम अपने गीतों से आपके थिएटर की शान बढ़ाते रहे अब हमें एक शानदार मौका मिला है फिर आप ही बताइए अब हम यहाँ कैसे ठहर सकते हैं चलो घूमू लेकिन मेरा क्या होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा अच्छा ये बात है मैं देखूंगी तुम्हें नौकरी कौन देता है नमस्ते सेठ जी नमस्ते सेठ जी मैं आपकी तार के मुताबिक हाजिर हो गया हूँ लेकिन मैंने ये तो नहीं लिखा था कि तुम देर करके हाजिर हो मगर हम क्या करते सेठ जी दो दिन तक तो हमें ट्रेन में जगह ही नहीं मिली इसलिए मेरा क्या कसूर है हमने आज मेरा रख लिया है
हम भी तो आदमी हैं सेठ जी। लेकिन भाई आप कुछ नहीं हो सकता, मगर सेठ जी सॉरी वेरी सॉरी। हेलो मुरारी बाबू। हेलो, मिल गई नौकरी? काम कब शुरू होगा? काम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब करते भी क्या, सेठ जी सिर्फ 1,000 रुपया देते हैं, इतने में गुजारा कैसे हो सकता है। झूठ बोलने की कोशिश ना करो, आप क्यों नहीं कहते कि नौकरी नहीं मिली? क्यों, देख लिया ना, बड़ी शान से नौकरी छोड़कर आए थे, अब खुल गई आँखें। कुछ भी हुआ मैंने तुमसे रहम की भीख तो नहीं मांगी, तुम अपना काम करो, मेरा ख्याल छोड़ दो। अगर तुम्हारा ख्याल छोड़ सकती तो सारी दुनिया को भूल कर तुम्हारे पीछे न चली आती। लेकिन मुरारी बाबू, तुम्हें परदेश में ठोकरे खाना पसंद है? हर ठोकर में कामयाबी छुपी होती है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं, चलो घुंघरू। मैना तो आप जाल की तरफ आई थी, मगर शिकारी नहीं आई मुरारी। अरे मैना जाल की तरफ नहीं आई थी, बल्कि जाल लेकर शिकारी को फांसने आई थी। और तुम तो जानते ही हो ये मैना लाहौर में भी प्रेम के गीत सुनाती थी और जहाँ भी चहकने लगी, लेकिन भाई हम बच ही गए, जान बची और लाखों पाए। घर से बुद्धू घर को आए, लेकिन ये बताइए आप इसमें घबराते क्यों हैं? अबे तू अभी बच्चा है, जिस औरत की मोहब्बत खरीदी जा सके वो औरत मोहब्बत करने के काबिल नहीं होती। हर ये तो आप ही जानते, लेकिन हम करेंगे क्या? खूब भाईजान, बस अब वो म्यूजिक स्कूल खोलेंगे, लड़कियों की पलटन आया करेगी। जी कौन आ रही है? विशीला आदावर्तन। विशीला ये कौन? मिस कमला आदावर्तन। आइए आइए तस्वीर लाइए। क्यों घूम रही? घड़ी में मुरलिया बाजी। बस एक मकान की जरूरत है। बड़े मियाँ क्या है? बड़े मियाँ जरा ले चलो, कोई अच्छा सा शानदार सा सस्ता सा मकान दिखाओ। देखो साहब, बम्बई में मकान मिलना आसान नहीं, बहुत घूमना होगा, किराया बहुत लगेगा। पहले बोल देता हूँ। हमा यार, हम तो कॉमरेड हैं, कॉमरेड, खाली गाड़ी ले जाने के बदले हम ही को साथ लेते चलो। हाँ, जरा पैदल ही सैर कीजिए। अच्छा तो तुम जा सकते हो, साहब की जेब जवाब दे चुकी। अरे देखने से लेकर काम कर देंगे, जेब संभाल रखी है, हवा ना लग जाए। भाई वाह, बड़े मियाँ तुम्हारी किस्मत में पैसे ही नहीं है। अरे मगर आपके पैसे हैं, 2 रुपया 12 आने। माफ करो माफ करो, छुट्टा नहीं, मैं छुट्टे देता हूँ। तो मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, मिल जाएंगे जल्दी, क्या मैं बम्बई से भागा थोड़ी जा रहा हूँ, मेरे होटल आके ले लेना। कहाँ तुम्हारे होटल? अरे भाई जैसे जानते ही नहीं, ताजमहल होटल और कौन सा। वाह वाह, क्या शानदार बेंच किराए की खाली है। अरे हमारा ही इंतजार कर रहा था। तो घुंघरू, इसी को ताजमहल होटल की ब्रांच समझकर इसी पे डेरा डाल देते हैं और ये सब सामान यही किसी के पास रख देंगे। ठीक है, खूब गुजरे के जो मिल बैठेंगे दीवाने को। तो आज से इसका नाम मुरारी पैलेस होगा। मुरारी पैलेस? चना जोर गरम चाहिए साहब? क्यों नहीं, जरूर चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन पैसे कल देंगे। तो मैं चने भी कल ही लाऊंगा। टूबिलेट, अबे मिल गया, मकान मिल गया, बस अभी खत लिखे देते हैं। लेकिन आप लोग पता क्या दोगे? पता? अरे वो रास्ते में सोने चांदी की दुकान वाले का नाम क्या था? खूब ज्यादा रूपचंद जौहरी, बस उसी का पता दिए देते हैं। ठीक है, बस बन गया काम, अब तो घड़ी में मुरलिया बाजे जी। लो आ गई चामच, अब क्या करूँ क्या न करूँ। अरे बिजली किधर चमक रही थी? क्या बात है बाबूजी? अरे सिर्जी तो मालूम नहीं दिल्ली से कब वापिस आए, तुम जाकर दीदी से कहो मकान का खसरा कर दे। बहुत अच्छे शेख साहब। दीदी जी सोने दो हमें, क्यों सुबह सुबह परेशान करती हो? दीदी जी सोई हुई है, शेख साहब आप ही फैसला कर दे। लो आ गई चामच।
आप रुकते नहीं जोड़े? वाह वाह, इसके यहाँ तो बड़े बड़े प्रिंस आते रहते हैं। कोई प्रिंस या रईस होगा, लिफाफा भी बड़ा है। चलो इसी को दे देते हैं मकान। नवाब साहब, यही है वो दुकान। आइए नवाब साहब, आइए नवाब साहब। चाय मंगवाओ आपके लिए। चाय? अच्छा क्यों तकलीफ करते हैं? हम लोग अभी अभी ताजमहल होटल से पी के आए हैं। तो फिर क्या हुआ? शाम दो स्पेशल चाय मंगवाओ नवाब साहब के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए साहब ये अंगूठी डायमंड इंग्लिश कट है। अच्छा, ये कोई खास नहीं है। आपने अभी हमारी अंगूठी का डायमंड नहीं देखा है। और वो नीलम जो आपको महाराज का सामना करने दिया था, इसके क्या पहने? ये पसंद नहीं, और देखिए। हाँ हाँ दिखाइए। सेठ जी, आपके यहाँ मुरारी लाल साहब कौन है? मुरारी लाल? यह इस नाम का कोई नहीं। हम हैं मुरारी लाल, ये खत हमारा है। ओहो, आपका खत है, माफ कीजिए। नवाब साहब, इसे माफ कर दीजिए। जौहरी, हमने तुमको माफ किया। अच्छा आदाब सर। आदाब नहीं। अच्छा तो खत लेने आए थे, निकल जाइए। लो घुंघरू, शान तो मिल गया, एक मुसीबत तो दूर हुई। लेकिन वो देखिए दूसरी मुसीबत। ना मुरारी बाबू, खूब मुलाकात हुई। हाँ हाँ हुई, न होती तो और भी अच्छा होता। मजाक छोड़िए, चलिए ताश चले चाय पियेंगे। चाय? अजय कोई जरूरत नहीं, अभी अजय रोज चंडीगढ़ में चाय पिलाई है। हाँ हाँ, और हमें कहीं जाना भी है। आज मुरारी साहब को बहुत से काम है, तीन चार लोगों ने उन्हें बुलाया है, दो तीन जगह खाना है। और उधर एक सेठ साहब तंग कर रहे हैं कि हम उन्हीं के मकान पे ठहरे। अब फिर आप ही बताइए हमें वक्त कहाँ है। सेठ जी के मकान में शांत होगी, मेरे मकान में मोहब्बत है। वहाँ क्यों नहीं ठहरते मुरारी बाबू? घुंघरू तुम तो चलो। अच्छा घुंघरू तो हम लोग आपके चरणों में ही रहते हैं। अच्छा अब हम चलते हैं। घुंघरू चलो अपने नए बंगले में। हर रात सुहानी है, क्या ये जवानी है? मैं पैरों से क्यों पूछूं, मैं अपना से क्यों पूछूं, मैं पैरों से क्यों पूछूं, मैं अपना से क्यों पूछूं? आई ना जगत है, आई ना जगत है, तू कुछ की रानी है, रानी है, क्या यही जवानी है? क्या कहूँ कि कौन आकर, क्या कहूँ कि कौन आकर सपनों में जगाता है? क्या कहूँ कि कौन आकर सपनों में जगाता है? खुलते ही मेरी आंखें, खुलते ही मेरी आंखें, जाने कहाँ जाता है, जाने कहाँ जाता है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है, क्या ये जवानी है? जाते हुए बचपन से, आते हुए जवानी से, जाते हुए बचपन से, आते हुए जवानी से, दोनों से मैं कट हूँ, दोनों से मैं कट हूँ,
ये दिल की मेरी दुनिया, ये दिल की मेरी दुनिया, अब कैसे बतानी है, अब कैसे बतानी है, क्या यही जवानी है, क्या यही जवानी है। नमस्ते। नमस्ते, ये क्या बदतमीजी है? अजी कुछ नहीं, आपका सुरीला गीत सुनकर मेरे वायलिन की तारें कांप उठी, इन्हें भी जोश आ गया। वाह वाह, कितनी प्यारी आवाज है आपकी। लेकिन आप हैं कौन, यहाँ किस लिए आए? आपने खुद ही तो बुलाया है। मैंने बुलाया है? जी हाँ, मकान देखने के लिए। मेरा नाम मिस्टर मुरारी लाल है, तो आइए मकान दिखाइए। तो आप क्या समझते हैं, मैं नौकरानी हूँ जो मकान दिखाऊँ? ये सब कुछ बाबूजी जाने, और वो बाहर गए हुए हैं। अब जो साहब, क्या बात है, क्या चाहिए? साहब बहादुर मकान देखने आए हैं। मुरारी लाल साहब रही से आजम, गुड मॉर्निंग, आइए तशरीफ लाइए। देखिए साहब, नो मकान शानदार है ना? शानदार तो खैर क्या है, हमारा मुरारी पहले गजब का था। हाँ हाँ, जन्नत पे कश्मीर का टुकड़ा। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्यों हूँ रुक, क्या ख्याल है, हो जाएगा गुजारा? कोई दाल दुनिया हो ही जाएगा। हुजूर बुरा न माने, एक महीने का किराया पेशगी मिल जाता है। मामूली बात है, दे देंगे। हाँ? मेरी चेकबुक सेठ रूपचंद जौहरी के यहाँ पड़ी है। अच्छी बात है। अच्छा तो भाई घुंगरू, अब स्कूल शुरू। देखो तुम ये इश्तेहार अखबार में दियाओ, मैं साइन बोर्ड बनवाता हूँ। लेकिन नाम क्या पूछा है? पॉपुलर म्यूजिक स्कूल। मुरारी साहब, अब यारों का क्या बनेगा, कोई भी सीखने नहीं आता। है तो फिर 5 रुपए से 2 रुपए आशा ना करने वाले हैं, हमारे आर की इतनी भी आदत है। अमा फिर क्या किया जाए, बम्बई भी अजीब शहर है, हम जैसे संगीत रत्नों को कोई पूछता ही नहीं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं भी जाता हूँ किसी काम की तलाश में। ये क्या कपड़े धोए साहब, ऐसे जा रहे तुम्हें? कपड़े धोने नहीं आते तो मत धोया करो, कलश के लिए लगाए नहीं? कलश कहाँ से लगाए दीदी जी, क्यों घर में तो बच्चों के खाने के लिए भी चावल नहीं है। तो हम क्या करें, तुम्हें कलश लगानी ही पड़ेगी, बच्चों को चावल मिले ना मिले, मगर उन्हीं के लिए तो सब कुछ करती हूँ। तो उन्हें लेके घर में बैठो, यहाँ क्या करने आई हो? मगर बीबी जी मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस खूब हमदर्दी जाहिर की है आपने, इस गरीब के जख्मों पर नमक छिड़क कर बहुत खुशी हुई होगी आपको। आप हम कुछ तो दखल दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं इंसान हूँ, देखते हुए भी कैसे चुप रह सकता हूँ। हाँ अगर आपको मेरा कहना बुरा मालूम होता है तो मैं चला जाता हूँ। तो आपको बुलाया किसने था, दीवाना कहीं का? बाबूजी जी, ऊपर वाले किरायेदार से किराया वसूल करो। बहुत अच्छा, और किराया दाना करे तो मकान खाली करने को कहो, समझे? मंजू जी सरकार, इसे कलश के लिए चावल दे दो। और बीबी जी पैसे? पैसे नहीं मिलेंगे, पहले कपड़े अच्छी तरह तैयार करके लाओ। और हाँ रामू से पूछो चाय का इंतजाम हुआ या नहीं, अभी मेहमान आते ही होंगे। बहुत अच्छा, क्या ये ठीक है?
शीला क्या बजा रही हो? क्या बताया था मैंने तुम्हें? हैं? मैं क्या करूं प्रभात, मुझे नहीं आती। आए क्या? ध्यान तुम्हारा पता नहीं कहाँ रहता है। विमला तुम बचाओ, कमला तुम भी। प्रोफेसर साहब, कौन है? मैं हूँ, किराए के लिए आया हूँ। कौन बाबूजी? अब देखते नहीं फिर उन घरानों की लड़की अंदर बैठी है। मुझे क्या धूमधाम से शुरू है? बस अब पैसे ही पैसे, तुम घड़ी में पुर्निया पड़ेगी, समझे? बहुत अच्छा। हाँ तो प्रोफेसर साहब, कैसे पता था आपने? क्यों दीदी, ऊपर तो लड़कियों की क्लास शुरू है, मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? क्लास शुरू है? कैसे क्लास? अभी तो प्रतिमा ने इधर बेकार से रहा था। अच्छा मैं खुद जाती हूँ। कौन है? जरा दरवाजा तो खोलिए। देखिए स्टूडेंट आ गई, बस अब दो घड़ी में मुड़िया खा दीजिए। कौन आप? हाँ मैं। कहाँ है लड़कियाँ? किधर है क्लास तुम्हारी? दाना किसे सिखा रहे थे? दीवारों को? अजी नहीं, हम तो हम तो क्या, मैं ऐसी धोखे बाजी नहीं चलने दूंगी। देखो अगर कल शाम तक तो किराया अदा न किया तो मकान खाली करना पड़ेगा। सुनो मुरारी साहब आप। अरे अब क्या, मैं तो पहले ही काम के लिए जा रहा था। लेकिन हजूर के कपड़े तो धोबी के तरफ हमसे फाड़ फाड़ कर देते हैं, क्या इसी तरह जाएंगे आप? मगर भाई धुलाई के लिए पैसे कहाँ है? हाँ खूब याद आया, मैंने तुझसे राधा धोबन का जिक्र किया था ना, उसी से धुलवा लेते हैं कपड़े, पैसे फिर दे देंगे। ठीक है। अजय ठहरिए मुरारी साहब, स्टूडेंट आने शुरू हुए और प्रोफेसर साहब बाहर जा रहे हैं। अजय अब जाने की क्या जरूरत है? और सचमुच पुलटन तो पुलटन ही आ गई। वाह वाह, इसे कहते हैं चिकन। अब तो दो घड़ी में मुरैया बाजेगी। अब क्लास की तैयारी कीजिए, मैं स्टूडेंट का वेलकम करता हूँ। ओ ये लोग आ गए। अरे आइए साहबा, कुछ लिखवाइए। आपसे तो इतना हो रहा था, गाने का हाथ इंतजाम है। अच्छा तो गाना भी होगा? जी हाँ, फिर तो मजा रहेगा। अरे बेवकूफ किधर ले जा रहा है, इन्हें तो चाय पे बुलाया है मैंने। हाँ ठीक है, पहले चाय पी लो फिर क्लास शुरू करेंगे। कौन सी क्लास? ये सब कुछ जानती है। क्लास? कैसी क्लास? अच्छा वही गाने बजाने की, पहले आप चाय पी लीजिए। बेवकूफ, इस मार्च को मैं गाना सीखने नहीं आई, पार्टी में आई हूँ। कोई बात नहीं, आज चाय पीने आई है तो गाना सीखना चाहेंगी। क्या बकरार, जा अपना काम कर। काम तो है कोई नहीं, ये तो मुसीबत है। और देखिए ना, जब काम बनने लगता है तो आप बिगाड़ देती है, मुरारी साहब क्या कहेंगे? मुरारी साहब क्यों? मेरा ख्याल है कि आप कपड़े धुलवाई ले तो अच्छा है। कैसी कैसी बातें करता है? अजीब दीवानों को पाला पड़ा है। कौन है ये? ऊपर से फ्लैट में रहने के लिए आए हैं। बिंदु से घंटी को बजाना। जाओ बिजली ले जाओ। जाए कहो भाई किशन जान, कल सिनेमा चलोगे? नहीं यार, कल तो मैं सेठ के साथ दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों? अरे भाई आजकल बम्बई में रहना ठीक नहीं, तुम्हें पता नहीं यहाँ जापानी हवाई जहाज बम बरसाने वाले हैं। अरे छोड़ यार, लोग तो यूं ही गप उड़ा देते हैं। हाँ हाँ और क्या। अबे मैं जो कहता हूँ गप नहीं सच है, सुनो। ये बात है समझे तुम लोग? तो बड़ा खतरा है बम्बई में। मैं तो कहता हूँ करी चलो यहाँ से। माफ कीजिएगा, मामूली ही चाय है। आज कल लड़ाई की वजह से ना तो पीक फिल्म के बिस्किट मिलते हैं ना ही कैडबरी के चॉकलेट, चाय पिए भी तो क्या। हाँ इस लड़ाई ने तो नाक में दम कर दिया, जीना भी मुश्किल हो गया। कोटे के क्रीम और पाउडर भी कहाँ आते हैं? देखो ना मेरा चेहरा मुरझाया जा रहा है। तुम भी कैसी बातें करती हो, इधर तुम विलायती बिस्कुटों और चॉकलेटों वगैरह के ख्वाब देख रही हो, उधर दुनिया में लाखों इंसान ऐसे भी हैं जो आटे और चावल के लिए तरस रहे हैं। मुझे चावल बहुत मुश्किल है। आप वहाँ मनो खुश रहो, माँ राजविजय के घर गई है, वहाँ से पैसे लेकर चावल लाएगी, फिर हम जी भर के चावल खाएंगे। माँ चावल लाई है ना? नहीं बेटी। तो फिर ये क्या है? ये देखो चावल, बड़ी सूखी हो तुम। मनो मनो ये देखो चावल। हाँ हाँ बेटी, ये चावल हमारे नहीं,
राज दीदी के हैं, कलश मनाने के लिए। माँ, हमारे लिए चावल नहीं लाए? नहीं बेटा, पैसे नहीं है। कौन है? हाँ राधा, मैं ये कपड़े धुलवाने आया हूँ। बहुत अच्छा, धो दूंगी। हाँ एक बात और है, राजकुमारी की नौकरानी ने कहा तुम उधर जा रहे हो, राधा से कहना अब कपड़ों में कलश लगाने की जरूरत नहीं, अब तुम चावल बेशक बच्चों को खिला दो। सर, हम चावल खाएंगे? हाँ हाँ खाओ, जाओ। है फिर कलश नहीं लगाई, चावल कहाँ गए? वो तो बच्चों को खिला दिए दीदी जी, आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था कब? तुम्हारी अकल ठिकाने है या नहीं? आप ही ने तो मुरारी बाबू को भेजा था, वो कहते थे राज बीबी ने कहा है कलश लगाने की जरूरत नहीं, चावल बच्चों को दे दो। हैं? बहुत तंग किया उसने, अभी खबर लेती हूँ उसकी। तुम जाओ बाबूजी। वो आगे सामने क्या दीदी जी? चलो मेरे साथ। तुमने मेरा नाम लेकर क्यों राधा से कहा कि वो कपड़ों को कलश न लगाए? मैंने कब कहा था तुम्हें? छोटी छोटी बातों का क्या जिक्र करती हैं आप, बैठिए तशरीफ रखिए, कोई गदर ठुमरी सुनाऊं आपको? हाँ हाँ रहने दो अपना गाना, मैं पूछूं तुमने ही शरारत क्यों की? और हाँ वो किराए का क्या हुआ, लाओ इधर। और वही कमबख्त हमारे पास नहीं, गाने एक ठुक दो सुन लीजिए। ज्यादा बातें ना बनाओ, देखो शाम तक ये फ्लैट खाली करना होगा, और अगर ना किया तो सामान बाहर फेंक दिया जाएगा, समझे? क्यों बेटा घुंघरू, अब दो घड़ी भी कुछ का बिगुल बाजेगा। अरे इंसान अब मुरारी साहब आप। अरे आप क्या बांधो बोरिया बिस्तर और खिसको यहाँ से। आई मुसीबत आई मुसाफिर भाग चलो, ओ मुसाफिर भाग चलो। आई मुसीबत आई, ओ आई मुसीबत आई मुसाफिर भाग चलो, ओ मुसाफिर भाग चलो। जब निकले थे हम घर से कहा दिल में वो मोती भर से, कहा दिल में वो मोती भर से। जब निकले थे हम घर से कहा दिल में वो मोती भर से, कहा दिल में वो मोती भर से। हाँ ये तो गम की घटा है छाई, ओ ये तो गम की घटा है छाई। मुसाफिर भाग चलो, ओ मुसाफिर भाग चलो। आंखें आंसू से भरी जेब मगर खाली है, हम गरीबों का जमाने में खुदा वाली है। दिल अमीरों का है तकदीर में संगाली है, आज घर अपना किराए के लिए खाली है। हुई अपनी खूब सफाई, हो हुई अपनी खूब सफाई, मुसाफिर भाग चलो, हो मुसाफिर भाग चलो। आई आई मुसीबत आई, हो आई आई मुसीबत आई, मुसाफिर भाग चलो, हो मुसाफिर भाग चलो। आई आई मुसीबत आई। बाबूजी
बिजली ऊपर वाले मकान खाली कर रहे हैं ना? जी हाँ। अच्छा बिजली आई दीदी जी, जल्दी चाय लाओ। बिजली जैसे मैंने कहा था वैसे ही किया है ना? और राज दीदी ने जरा भी कुछ कहा तो मैं फौरन नौकरी छोड़ दूंगी। ठीक है। ये नौकरी छोड़ने की क्या बात है भाई? और ये बताता हूँ बिजली, ये क्या बेवकूफी है? ठंडी चाय बनाना है? बेवकूफ कहेंगी। दीदी जी मैं नौकरी करने आई हूँ, गालियाँ सुनने नहीं? क्या बक रही है, दूर हो जाए मेरी आँखों से। मैं हमेशा के लिए दूर हो जाती हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोकता ही कौन है? बहुत अच्छा। क्यों, क्या बात है? जी कुछ नहीं, आपने तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया था, मैं पूछने आया हूँ बढ़ा दिया है आपने? नहीं, अभी किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। मगर बीबी जी इतनी कम तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं होता, आप खुद जानती हैं चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, मजबूरन नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो छोड़ दो, जाओ निकलो। बहुत अच्छा, मैं भी चली बीबी जी। बीबी जी मैं भी नौकरी छोड़ रहा हूँ और मेरी शादी होने वाली है, मुझे भी जाना है और बाबूजी भी जा रहे हैं। जाओ सब दफा हो जाओ। सामान बांध लिया घुमरू? अच्छा किया, लेकिन यार लोग इसी बंगले में रहेंगे। अरे देखना क्या होता है, अभी अभी राजकुमारी मेरे कदमों पर गिरकर कहेगी कि जनाब मुरारी साहब आप मेहरबानी करके इसी बंगले में रहिए। मुरारी साहब घुंघरू साहब को भी, तू कौन मैं खामखा। तो आपका मतलब ये है कि कूच का विकल्पन और जो घड़ी है उड़िया बाजेगी? हाँ हाँ जरूर बाजेगी। तू है तो तुम लोग सचमुच जा रहे हो? मैंने तो मुझे गुस्से में आकर तुम्हें जाने को कह दिया था। बस बीबी जी, अब इस घर में हमारा गुजारा नहीं, काफी हो चुकी। हाय अब क्या होगा, इतनी बड़ी कोठी में मैं राजकुमार कैसे अकेली रह सकूंगी? वो जो है ना वो बहुत घबराई हुई है। अच्छा तो उठाओ सामान, हम भी चले और फिर शान से वापस आए। है क्या कहा, मीना घर में नहीं है? घुंघरू खूब धूमधाम से जोर शोर से आवाज करते हुए चलना ताकि वो और भी घबरा जाए। क्यों जनाब, कैसे आवाजें की हैं? चल अच्छा तो हम जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए सुनिए तो, देखिए मुरारी बाबू आज मुझसे गलती हुई, जो उसे भी मैंने आपसे शक रखता है, आप शौक से ना ठहरिए और किराए वाले मुझे बिल्कुल फिक्र ना कीजिए। जी नहीं माफ कीजिए, हम यहाँ एक मिनट भी नहीं ठहर सकते, हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। क्यों भूलो यहाँ? अच्छा तो जाइए फिर। घुंघरू देखो पीछे आ रही है कि नहीं? नहीं नहीं। घुंघरू वो देख चोर। हाँ चोर है। तो आप सचमुच जा रहे हैं? और क्या, चलो घुंघरू। रात के वक्त कहाँ जाएंगे, ठहरते नहीं आप? आपने कहा था जाइए, हम जा रहे हैं। आप कहते हैं ठहरिए, हम ठहर जाते हैं। मुरारी बाबू चलिए अब इनकी बात मान लीजिए, बार बार कह रही है बेचारी। अच्छा आप ऊपर जाने में तकलीफ क्यों करते हैं, यहाँ पिताजी के कमरे में ठहर जाइए ना। तस्वीर सचे अच्छा हम जरा बाजार जाते हैं खाना खाने, चलो। नहीं नहीं बाहर न जाइए, मुझे अकेली को डर लगेगा, यह चोरों का खतरा है। बात तो ठीक है लेकिन मुरारी साहब खाना खाना यही खाइए, मैं अभी बना लाती हूँ। क्यों घुंघरू देखा यारों का जादू, लखपति सेठ ज्वाला प्रसाद की लड़की मुरारी साहब के लिए खाना बना रही है। घुंघरू साहब के लिए नहीं? अबे हाँ घुंघरू साहब के लिए भी, क्या किसी महाराजा को भी ऐसी शानदार नौकरानी मिल सकती है? अभी नहीं साहब, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए पहले बर्तन में सूजी और घी डालो, फिर उसको हल्की आग पर रखकर भूनो।
को पानी चाहिए। मैं क्या नौकरानी हूँ, खुद उसको पी लीजिए ना। चलो यहाँ मैं आराम नहीं मिलेगा। ठहरिए ठहरिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। देखना घुंगरू, आज इसके दिमाग से दौलत का सारा नशा निकल जाएगा। लीजिए। अब क्या चाहिए? कुछ नहीं। फिर इसमें नमक, खुशनस और प्याज डाल दो और फिर मुंह पर कपड़ा लपेट जो साफ जगह पर रख दो। अगर दो चार रोज धूप ठीक ही होगा, धूप दे दो तो अच्छा है। नमक नमक, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। चलो देखो सही क्या पक रहा है। खुशबू तो हलवे की आ रही है। क्या बनाया है आपने? खूब नमकीन हलवा है। यही बना रही दो घंटे से आप? खूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर घर में नौकर न हो तो अमीरों को भूखा ही मरना पड़े। घुंगरू फेंक दे ये हलवा। चलो मैं सब फेंक दे। तुमसे ये भी ना हो सकेगा। तो क्या मैं इतनी देर खुश हूँ? हाथ तेरे की आंखें फूट गई है, गर्म पानी मेरे सर पर फेंक दिया। अजी हजरत, इसे गर्म पानी कौन कहता है? ये तो गर्म हलवा है, जरा चाट के देखिए। हलवा है, इस हाल में क्या है इसे? कहा था ना कि तुम इतना भी न कर सकोगी। कितने दुख की बात है कि आज दुनिया की औरतें अपने नाजुक कंधों पर मुल्कों की किस्मत का बोझ उठाए हुए हैं। तुम घर का छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकती। तुम पढ़ी लिखी हो, दौलतमंद हो, लेकिन ये तालीम और दौलत दोनों मिलकर भी तुम्हें औरत न बना सकती। तुम्हें बताओ, क्या वो औरत औरत कहलाने की हकदार है जो घर का मामूली सा कामकाज भी न जानती हो और दूसरों की मदद के बगैर अपना घर न संभाल सके? राजकुमारी, अगर एक तरफ एक अमीर लड़की हो जिसके हाथ सोने की चूड़ियों से जगमगा रहे हैं और दूसरी तरफ एक गरीब लड़की हो जिसके हाथ सुबह से शाम तक बर्तन साफ करने वाली रात से भरे रहते हो, तो मैं उस गरीब लड़की के हाथों को आंखों से लगाऊंगा, क्योंकि वो हाथ एक औरत के हाथ होंगे। अच्छा अब तुम आराम करो, बहुत थक गई होंगी। कौन है? जी मैं। कौन तुम? जी हाँ। क्या बात है? दरवाजा तो खोलिए। मैंने कहा ये चाय सिर्फ मुरारी साहब के लिए है या यारों का भी हिस्सा है? तुम्हारे लिए भी है घुंगरू। वाह वाह बहुत खूब, तो लाइए फिर। कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं। ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। जरा दिखाइए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, आप मजाक उड़ाएंगे। अजी दिखाइए तो सही।
ओ, ये तो खासा अच्छा है। तो आपको ये भी शौक है? था तो नहीं, हो गया है। आप ही ने तो कहा था कि औरतों को घर के सब काम जानना चाहिए। अच्छा, अब आप आराम करें, बहुत थक गई होंगी। बस अब बंद करो गुरु, मुझे नींद आ रही है। यार लोग जीतने लगे थे तो आपको नींद आ गई। अच्छा ये तो देखिए, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों शोर मचा रहा है? क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आता, पगला बार बार चांद की तरफ इशारे कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं समझ गया। क्या? चकोर हमें चांद दिखाकर ये याद दिलाना चाहता है कि ये चांदनी रात, ये कुदरत का निखरा हुआ जौबन, ये आसमान पर बिखरे सितारे खामोश जुबान से ये कह रहे हैं कि ये रात सोने के लिए नहीं, प्यार के लिए है, प्रीत के मीठे गीत गाने के लिए है, चांद की किरणों के साथ नाचने के लिए है। आप तो दीवानों जैसी बातें करते हैं, आज से मैं आपको दीवाना कहकर पुकारा करूंगी। और मैं आपको क्या कहा करूं? जो आपकी मर्जी। हाँ, न जाने आपने क्या जादू कर दिया है, दिल में एक नई उमंग सी उठ रही है, पता नहीं ये क्या है। चांद बता मुझको, चांद बता मुझको, क्या इसी का नाम है चांद, क्या इसी का नाम है चांद। इस पर्दे ने छेड़ी है, इस पर्दे ने छेड़ी है मेरे मन की तार, चांद बता मुझको, चांद बता मुझको, क्या किसी का नाम है चांद। दिल में मीठा दर्द था, दिल में मीठा दर्द था जब आंखें खुली थी जा, दिल में मीठा दर्द था जब आंखें खुली थी जा, आजा कहते है चल पतली, आजा कहते है चल पतली, दूर दूर या इसी का नाम है चांद बता मुझको, है चांद बता मुझको, क्या इसी का नाम है। चांद देखे राजकुमारी, चांद देखे राजकुमारी, चांद देखे चांद, चांद देखे चांद, देखा उसने चांद जो मेरा, देखा उसने चांद जो मेरा, चांद हो गया मान, हो गया बेचारा हाल, हो गया बेचारा हाल। चांद बता मुझको, चांद बता मुझको, क्या किसी का नाम।
किसी का नाम है प्यार, पहचान पता हमको, पहचान पता हमको, क्या किसी का नाम है प्यार। क्या बात है राज, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो, बताओ ना क्या बात है। क्या बताऊं, रात को एक अजीब सा सपना देखा। क्या देखती हूँ कि चांद धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रहा है, देखते ही देखते वो मेरे सामने आ गया। तो फिर चांद कहने लगा, राजकुमारी तुमने एक सवाल किया था, ऐ चांद बता मुझको, क्या इसी का नाम है प्यार। मैं उसका जवाब देने आया हूँ, वो नई उमंग जो तुम्हारे दिल में उठी है उसी का नाम है प्यार। अजीब बात है, तुम्हें तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन वो चांद मेरे पास क्यों नहीं आया। शायद वो जानता है कि हम दोनों में कोई फर्क नहीं। क्यों, क्या हुआ? मालूम होता है तुम्हारे पिता सेठ ज्वाला प्रसाद को हमारा हंसना और मिल बैठना पसंद नहीं। क्यों? देखती नहीं सेठ साहब कितने गुस्से भरी नजरों से हमारी तरफ देख रहे हैं। छोड़िए भी, आप तो हर वक्त मजाक ही करते रहते हैं दीवाना साहब। दीवाना साहब, फिर कहो राज। दीवाना साहब इस बात फिर। तो मैंने आपका नाम ठीक ही रखा है ना दीवाना साहब। दीदी जी कॉफी ले आई मैं। अच्छा देखू तो। राधा तुम्हें एक बार जो कहा कपड़ों में कलफ न लगाया करो। मगर राज दीदी ने कहा था ना। राधा राज वो राज नहीं रही, अब तुम मेरे कपड़ों में कलफ न लगाया करो। लेकिन चावल जरूर यहाँ से ले जाया करो। हाँ हाँ, और बाबूजी ये आपका कपड़े ये भी यही रहने दो, ये लो। लेकिन मैं कहता हूँ इसे घर में ही क्यों नहीं रख लेती, थोड़ा बहुत काम कर दिया करेगी। ठीक है, कल से तुम यहाँ आ जाया करो। बड़ी मेहरबानी सरकार। ओहो 10 बज गया। अच्छा मैं बाजार जाती हूँ, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है। और हाँ घुंघरू कहाँ है? कहीं मुरलिया बजा रहा होगा। जब से बहू गए अपने, जब से बहू गए अपने, कोई नहीं बेगाना, कोई नहीं बेगाना। लेकिन मुरारी बाबू हम तो अभी तक बेगाने हैं, पर आए हैं, आखिर ये किसको अपना बनाया है, जरा मैं भी तो देखो। ओहो आप हैं, सुंदर हो, खुशकिस्मत हो, दौलतमंद भी हो। लेकिन मुरारी बाबू मुश्किल तो यह है, ये दौलतमंद किसी से मोहब्बत नहीं किया करते। मेनका तुम्हें ये वहम हो गया है कि तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई मोहब्बत करना जानता ही नहीं, और तुम्हें ये वहम हो गया है कि दौलतमंद की हर मुस्कुराहट में मोहब्बत होती है, इसीलिए तो सबको छोड़कर यहाँ डेरे डाल दिए हैं। इस चार दीवारी में किसी ने नई दुनिया बसा दी है, मुझे नई जिंदगी दी है। किसी ने तुम्हें नई जिंदगी दी, लेकिन तुमने मुखेरकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा क्षेत्र अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जब से तुम गए मैंने नाचना छोड़ दिया, मेरे पाए निराश होकर खामोश हो गए। मुरारी बाबू मैं एक बार फिर वो उजड़ी हुई दुनिया आबाद देखना चाहती हूँ। उस उजड़ी हुई दुनिया को आबाद करने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, शायद फिल्म कंपनी से भी तुमने ही जवाब दिलवाया था। तुमने चाहा था कि मैं कहीं काम न कर सकूं, तुम्हारी आरजू पूरी थी, मुझे यहाँ तो आराम से रहने दो। मेनका अब तुम जा सकती हो, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। दोस्त नहीं सहेली आने वाली है। अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन ये न समझना कि मेरा आराम छीनकर तुम आराम से रह सकोगे। क्या हुआ, क्या हुआ? हाय, 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 हाय।
राज, राज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे जाने के बाद आवारा औरतों को बुलाकर रंगरलियाँ मनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कह रही हो राज, तुम्हें गलती हुई है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। राज, 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 क्या हुआ मुरारी बाबू? सलामत रहो मेरे प्यारे बिन। कोई कोठी, कोई बंगला तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया जब हमें ठुकरा देती है तो तू हमें अपनी गोद में जगह देता है, हमारे लिए तू मुबारक और सेठों को उनकी कोठियां मुबारक। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। ये नौकर सब कहाँ मर गए? कितनी देर से घंटी बजा रहा हूँ। सब अपने अपने घरों को भाग गए, पता नहीं क्यों। मैं समझ गया, ये बेवकूफ भी जंग की झूठी खबरें सुनकर भाग गए होंगे। कोई बात नहीं, और नौकर आ जाएंगे। अब नौकर कहाँ मिलेंगे, मैंने राधा को रख लिया है, दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे। तो ठीक है, मैं दफ्तर जाता हूँ। थोड़ी देर आराम तो कर लीजिए। नहीं नहीं, देखू वहाँ का क्या हाल है। खत्म होने के बाद ये टाइप करो। क्यों भाई बद्रीनाथ, दफ्तर का काम ठीक चल रहा है ना? जी ठीक कहा, एक चपरासी और दो क्लर्क नौकरी छोड़ गए। कोई परवाह नहीं, एक इश्तहार भेज दो अखबार में, दो दिन में नए आदमी मिल जाएंगे। अभी भेज दो। बहुत अच्छा। एक क्लर्क और चपरासी से स्टेशन आए हैं, लेकिन ये तो कोई आवारा आदमी मालूम होते हैं। देखिए ना पता क्या दिया है। मैसेज मुरारीलाल घोंगरूलाल, बैंक नंबर 7 चौपाटी बम्बे। फिर क्या हुआ, तुम्हें तो आदमी चाहिए ना, बुला लो इन्हें। गुड कॉलेज, गुड कॉलेज साहब। अजब पता दिया है किसी पाजी ने, अब बेंच नंबर 7 कहाँ ढूंढू। अच्छा आप हैं। क्यों जनाब, अगर आपका कोई घर घर नहीं था तो किसी होटल में या धर्मशाला में ठहरे होते, बेंच पर क्यों डेरे लगाए हैं आपने? बदतमीज, क्या बक रहे हो, मेरे तो बम्बई में 7 कोठियां हैं और 8 में लड़ाई के बाद बनने वाली है। तो क्या मुरारीलाल आपका नाम नहीं है? नहीं नहीं, मेरा नाम मुकुंद बिहारी लाल है। तुम बस मुरारीलाल कहाँ है? हाजिर हूँ जनाब। फरमाइए क्या बात है। अच्छा आप हैं फैशन लेबल खाना बदोश। जी हाँ। ये लीजिए खत। शुक्रिया। अभी से बता दीजिए आगे से जनाब का खत कौन से पता पर लाए। आप आगे से मेरा खत सेठ ज्वाला प्रसाद कॉटन मर्चेंट कालबा देवी रोड बॉम्बे के पते से लाई दीजिए। ज्वाला प्रसाद। अच्छा तो इसीलिए जनाब म्यूजिक डायरेक्टर से क्लर्क बन गए। हाँ कुछ भी हो, अब तो घड़ी में मुरलिया बाजी। क्यों नहीं क्यों नहीं। चलो लेकिन घुंघरू ये खुशी की खबर लाए हैं, इन्हें इनाम देकर माला माल कर देना चाहिए। देखो अगली दफे जब आप चिट्ठी लाएंगे तो हम आपको जरूर इनाम देंगे। चलो भैया ये आपका टेबल है। सुंदरलाल ये नए आदमी है, इन्हें काम बता दो और इसे चपरासी के वर्दी दे दो। बहुत अच्छा। ये बाप रे, घबरा क्यों गए? आइए मैं दस्तखत करता जाऊं। चल रहे वर्दी पहन, आपको अभी बताता हूँ क्या करना है। अच्छा राज, बद्रीनाथ। हेलो सेठ विश्वनाथ को बोलो मैं अभी आता हूँ। क्या बात है सेठ साहब? हाँ देखो भाई, मुझे अभी अभी रात को सिनेमा दिखाना था लेकिन एक जरूरी काम पड़ गया, इसलिए मैं तो जाना सकूंगा। तुम इस तरह करो, ये टिकट ले जाओ, रात को सिनेमा दिखा देना, वो तुम्हें वही मिलेगी सिनेमा में। हेलो रामलाल, क्या भाव निकला?
चलिए काम बताओ। ठहरो ठहरो, क्यों मैनेजर साहब, क्या बात है? क्या कहूँ, घर में श्यामा की माँ बीमार है, घर पहुँचना कहते हैं, सिनेमा दिखाने जाऊँ तो मैं हाजिर हूँ, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आपको क्या तकलीफ दे रही है, शुक्रिया। अजीब ये भी रात वाले दफ्तर में जाकर। अच्छा अच्छा, दो घड़ी में मुड़िया बाजी जी। हेलो सीता जी, मैं श्यामा बोल रही हूँ। कहो बेटी, क्या अब जल से घर आ जाइए, माता जी की हालत बहुत खराब है। हाँ? अच्छा मैं जरूर कोशिश करूंगा जल्दी आने की। क्या घर से आया था टेलीफोन? हाँ। खैरियत है ना? खैरियत कहाँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। मैंने कहा था ना कि मैं चला जाता हूँ। बहुत शुक्रिया मुरारी बाबू। ये लीजिए टिकट। मगर मुरारी बाबू, आप सेठ की लड़की को पहचानेंगे कैसे? अजी मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरा मतलब है उन्हें कौन नहीं जानता। शाबाश घुंगरू, तुम नए मकान को चले जाना, मैं जरा देर से आऊंगा। अरे काम अम्मा, आज फुर्सत नहीं, कल बताऊंगा। कौन सा? जी हाँ जी हाँ, आधा दोस्त है। वहाँ आने का क्या मतलब? मैं आपको सिनेमा दिखाने आया हूँ। मैं खुद देख सकती हूँ? हम भी खुद दिखा सकते हैं। तुम जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊँ? आप बड़े शौक से पुलिस को बुला सकती हैं। तो मैं शोर मचाती हूँ? आप बड़े शौक से शोर मचा सकती हैं, मुझे क्या डर, मैं तो ड्यूटी पर हूँ। कैसी ड्यूटी? आपके पिताजी का नौकर हूँ, उन्होंने कहा कि आपको सिनेमा दिखा दूँ, मजबूरन आना पड़ा। ड्यूटी आपकी ड्यूटी है। ये बात है, मैं कल ही पिताजी से पैसे तुम्हें निकलवा दूंगी। आप बड़े शौक से निकलवा सकती हैं, लेकिन कल, आज तो मुझे ड्यूटी पूरी करने दीजिए। चलिए चलिए आइए जी। मैं सिनेमा नहीं देखना चाहती, हटो एक तरफ। देखो राज, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो मेनका की चाल थी। उसने बार बार मोहब्बत मांगी, मैंने बार बार ठुकरा दिया। उसने झोली फैलाई, मैंने मुंह फेर दिया। उसने अपना घर लुटते हुए देखकर मेरे दिल में आग लगाना चाही, लेकिन तुमने उस आग में अपना आचर क्यों जला दिया? तुम्हारी आंखों ने उस दिन जो कुछ भी देखा वो एक हारी हुई औरत का फरेब था। राज, आंखों से नहीं अपने दिल से पूछो, वो क्या कहता है, कुछ तो कहो, बोलती क्यों नहीं? मेरी राज। मुरारी बाबू। मुझे मुरारी बाबू न कहो, उसी नाम से पुकारो। दीवाने साहब, आप दफ्तर में कैसे हैं? आज मेरी क्लर्की का पहला दिन है। क्लर्की? ये आपको क्या सूझी? और करता भी क्या, तुमसे मिलने का बहाना जो ढूंढ रहा था। लेकिन आप क्लर्क? शायद तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे पिता का क्लर्क हूँ, और वो ये कभी न चाहेंगे कि हम दोनों के जीवन एक डोर में बांधे जाए, यही ना? क्या आप मेहनत और कोशिश करके दफ्तर में मैनेजर नहीं बन सकते? राज, मैंने तो तुमसे मिलने के लिए क्लर्की का बहाना ढूंढा है, मेरी जिंदगी तो मेरे गीत है, फिर भी तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता। कहो, अब तो खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे सर हुए भाग जाग उठे। आए सकल महो दिल प्यार प्यार, आए सकल महो, आए
सगल मांगो इन सर सर अब जाके भाग हमारे दिन सर सर अब जाके भाग हमारे दिन सर सर आए हबलवा आए हबलवा हो दिन सर सर तुम हार हार कर जीत गए तुम हार हार कर जीत गए हम जीत जीत कर हारे बलवा हमारे हम जीत जीत कर हारे बलवा हमारे आए हैं बलवा आए हैं बलवा ओ दिन चर चर दुनिया है ये प्रीत के दुश्मन दुनिया है ये प्रीत के दुश्मन प्रीत के मीठे गीत के दुश्मन प्रीत के मीठे गीत के दुश्मन दुनिया दुनिया नहीं बसाएंगे हम तुम गाएंगे हम तुम गाएंगे हम तुम गीत गीत हमारे दिन प्यारे प्यारे आए बलमा आए बलमा हो दिन प्यारे प्यारे नई खुशियाँ बुलाती है नई खुशियाँ बुलाती है कर कर के इशारे बलवा हमारे कर कर के इशारे बलवा हमारे आए हैं बलमा आए हैं बलमा हो अरे भाई मुरारी लाल तो बहुत मेहनत से काम कर रहा है। हाँ साहब कुछ समझ में नहीं आता। सुबह को सबसे पहले आता है शाम को सबके पास जाता है कई बार तो रात रात भर काम करता है। उसने थोड़े ही दिन में दफ्तर का सारा काम सीख लिया है। मुरारी कर रहा है मैनेजर आज भी नहीं आया पता नहीं क्या हो गया उसे। आप फिक्र न कीजिए मैं कोशिश करूंगा कि दफ्तर का काम अच्छी तरह चलता रहे। गुड वेरी गुड। अरे भाई ये साहब देश की तारीफ कर रहे हैं। हाँ यार ये साहब मैनेजर बनने का ख्वाब देख रहे हैं इसीलिए तो दिन रात काम करते रहते हैं। आपको सेठ साहब बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा मुरारी मैनेजर जंगी अखबार से डरकर नौकरी छोड़ गया है। तुम मेहनती हो मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। आज से तुम मैनेजर हो जाओ उसकी जगह संभाल लो। शुक्रिया। डायरेक्ट लाइन प्लीज। मुबारक हो मैनेजर साहब आज तो मेरी तनख्वाह 100 रुपया महीना होगी ना। कैया घर कोतवाल अब डर कहेगा अब तो दो घड़ी से भी पहले मुरलिया बाजेगी। हेलो हेलो राज आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। कौन सा वादा दीवाना साहब? सेठ जी ने मुझे मैनेजर बना दिया। अच्छा मुबारक हो दीवाना साहब फिर तो मैं किसी न किसी बहाने दफ्तर आऊंगी और देखूंगी कि आप मैनेजर से तुम्हें कैसे मालूम होते हैं। अच्छा राज राधा राधा कहाँ हो तुम? राधा मुरारी बाबू मैनेजर हो गए। अच्छा मुबारक हो अब कराइए वो मीठा। हाँ मुरारी तुम्हें हिंदी आती है? जी हाँ। तो भाई ये खत लिख दो बहुत बेहतर। बताइए प्यारे शेठ जगन्नाथ जी नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपका खत मिला। आपने अजीज मगन और राजकुमारी के रिश्ते की बाबत पूछा है। लिख लिया मुरारी? जी हाँ। तो आगे लिखो इसमें मेरी मंजूरी का क्या सवाल है। राज आपकी बेटी है जब चाहेंगे मंगनी कर दी जाएगी। अगर अजीज मगन को चंद रोज के लिए फुर्सत हो तो यहाँ भेज दे ताकि राज और अजीज एक दूसरे से वाकिफ हो जाए। आपका ज्यादा पक्षा नॉलेज है।
यहाँ कैसे? यूँ पिताजी। आज तो तुम बहुत कुछ मालूम होती हो। और मैं भी तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। देखो राज, देवी के लखपति शेठ मगनलाल से तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो गई है। चंद दिनों तक अजीज मगन खुद भी आ जाएगा। क्यों, शादी की बात सुनते ही शर्मा गई? अगली कहीं। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं भी आता हूँ, फिर इकट्ठे घर चलेंगे। राज, मैंने सब कुछ सुन लिया, अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं जो कुछ कर सकता था दिन रात की मेहनत के बाद किया, अब एक ही रास्ता है, तुम अपने पिताजी से सब कुछ कह दो। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन राज, इस तरह चुपचाप रहने से कुछ न होगा। उस पिता के सामने तुम कब तक खामोश रहोगी जो तुम्हारी हर खुशी छीन लेना चाहता है? मैं क्या करूँ, मैंने कुछ कहा तो वापस से बाहर हो जाएंगे, ना जाने गुस्से में क्या कुछ कर डाले। और उन्हें दिल्ली से भी तो आना है, मैं उन्हें ना पसंद कर सकती हूँ। आप फिक्र ना करें मुरारी बाबू। मुरारी को बुलाओ। हेलो शामदास, खरीद लो खरीद लो। मुरारी, दिल्ली से अजीज मगन की तार आई है, वो आज फ्रंटियर रेल से आ रहा है। क्या बात है, तुम उदास क्यों? जी नहीं, उदास तो नहीं हूँ, मगन सेठ आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। देखो तुम स्टेशन पर जाओ और अजीज मगन को ले आओ। मैं खुद ही चला जाता लेकिन सेठ नंदलाल अभी एक जरूरी सौदा करने आ रहा। और हाँ, तुम पहचानोगे कैसे? ठहरो, ये लो अजीज की फोटो साथ लेते जाओ। नमस्ते सेठ जी। कौन हो तुम? मुझे सेठ ज्वाला प्रसाद जी ने आपके स्वागत के लिए भेजा है। अच्छा अच्छा, सुनो भाई, लेकिन यहाँ जंग का तो कोई खतरा नहीं है? कई लोग यहाँ से घबरा कर भाग तो रहे हैं लेकिन कोई खास खतरा नहीं। शुक्र है। अच्छा ये लो रसीद और ब्लड का सामान लाओ। जी अच्छा। आता हूँ मैं शेख साहब। वन हो तुम? मैं भी शेख ज्वाला प्रसाद के दफ्तर में काम करता हूँ। मेरा नाम घुमरू है, आपको लेने आया हूँ। अच्छा सेठ जी, बड़ी खुशी है आपके अंदर से, लेकिन क्या पता वो बहुत बुरा है। आजकल बम्बई में हर रोज सपाने की बम्बड़ी का डर रहता है। आपका भी गिरा के गिरा। अच्छा मौत का सामना है, इसके लिए सफाई होने वाली है। देखते हैं जबकि बोल का सिलसिला मिल जाएगा। क्या बताओ क्या न बताओ? ये तो बहुत बुरा हो रहा है, हम तो माँ बाप का ऐसे लड़का है तो छोटा हम जाना ही पड़ेगा। देखो अगर कोई गाड़ी दिल्ली को जाती हो तो? वो गाड़ी दिल्ली में जाने वाली, लेकिन आपका सामान? सामान की फिक्र नहीं, दिल्ली भेजा देना, तुमने तो मेरी जान बचा दी। ये लो छोटा। अब उसकी क्या जरूरत थी? रूबरू तू कब आया? एक कब आया? आपका इंतजार करके दिल्ली वापस चले गए। क्या बताए? चार लोगों ने ठीक कर दिया, यहाँ जंग का खतरा है और फिर भी दोनों ही गिरे पड़े। ये तूने बहुत बुरा किया। अभी इसलिए बुराई चाहे थी, आया था बुरा बनने। अजय कहा वो बहादुर जो स्वयंवर में बहादुर दिखाकर दुल्हन को जीतने आते थे, और कहा ये झगड़ा तो एक बार सुनते ही गाड़ी से रुके। लेकिन अब सेठ जी को क्या कहेंगे? और ये सामान? ये सामान मैं दिल्ली बेचता हूँ। आप सेठ जी से कह दो कि अजय मगन नहीं आया, और अगर इस बारे में दिल्ली से कोई खत आएगा तो मैं सेठ जी से पहुंचने से पहले ही उड़ा लूंगा। वो खड़े में मुर्गिया का दीदी। डाक आई? नहीं सेठ जी, डाक आज आता ही होगा। देखो देरी से सेठ जगन्नाथी को चिट्ठी हो तो फौरन मेरे पास भेजो। बहुत अच्छा। बंसी अंदर बुला रहे हैं। हेलो पॉलर बन रहे किस लैंग्वेज की? अरे नहीं देखो वो शेठ जी का खत है। तो लाइए मैं क्या आता हूँ। जा जा अपना काम कर। क्यों बे, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, इधर आते वो साफ करने आया था। हेलो शामलाल, क्या भाव निकला?
250 2000 बोरी खरीद लो। हेलो, नहीं नहीं, अबे खत भी साथ लिए जा रहा है। ए, इधर आओ, ये क्या कमीना हरकत की तूने? क्या समझी? अजीज मगन को वापस क्यों भेजा तूने? कौन मगन थे? अच्छा अच्छा, वो जो दिल्ली से आया था वो तो खुद ही खबर हो चलेगा। क्यों झूठ बकता है? घर से बता क्या बात है, बताओ। देवी, बात ये है कि राज और मुरारी एक दूसरे को प्यार करते हैं। क्या बक रहा है शैतान बाजी? मैंने सोचा अगर मगन सेठ आ गए तो इन दोनों के दिल दुखेंगे, इसलिए मैंने इन्हें स्टेशन से वापस कर दिया। चुप रह, झूठा मक्कार। मुरारी, जो कुछ इसने बकवास की है उसके मुतालिक तुम्हें क्या कहना है? इसने जो कुछ कहा है ठीक कहा है। क्या? अगर आपको यकीन नहीं तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए। अरे पूछता हूँ, अभी तुम्हारा सारा पोल खुल जाएगा। हेलो राज, क्या ये सच बात है कि तुम मुरारी से शादी करना चाहती हो? हाँ पिताजी, इस बारे में मुझे आपसे कुछ कहना है। घर आएंगे तो कहूंगी। हाँ अच्छा, तो तुम्हें कभी ख्याल तक नहीं आया इससे शादी करने का? तो झूठ कह रहा है ये, मैं बदनाम करना चाहता था। मैं पहले ही जानता था कि ये इसकी चाल है। हेलो राज, सुना क्या कहा उसने? कुछ और सुनना चाहते हो तो करो इससे बात। ये लो टेलीफोन, लो। हम जिसे हीरा समझते थे वो पत्थर निकली। पत्थर निकले? कौन मुरारी बाबू? ओ मैं समझ गई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि दौलतमंद किसी से मोहब्बत नहीं करते। एक मोहब्बत तो तुम आजमा चुके हैं, दूसरी मोहब्बत अभी तक तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे सामने मोहब्बत का नाम न लो, मुझे इस लफ्ज से नफरत हो गई है। मुझे परेशान न करो। मैं तो तुम्हारी परेशानी दूर करना चाहती हूँ। थिएटर में चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मुझे अब थिएटर में जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा थिएटर तुम्हें मुबारक। वो थिएटर मेरा नहीं तुम्हारा है, उसके शान तो तुम्हारे ही गीतों से थी। मैं बम्बई से तंग आ गया हूँ, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहता हूँ। तो आज हमारे यहाँ आखिरी प्रोग्राम है, कल हमारी पार्टी कलकत्ते जा रही है। तुम बम्बई में नहीं रहना चाहते तो मेरे साथ चलो। चले मुरारी बाबू। मुझे रोकने वाली तमाम जंजीरें टूट चुकी हैं, अब कोई जहाँ जी चाहे ले जाए। कलकत्ते जाते वक्त हमें बुलवा लेना। घुंगरू, इन्हें अपने मकान का पता दे दो। लेकिन तुम अकेले मकान में कैसे रहोगे? मेरे साथ व्यस्त हो चलो। अच्छा मुरारी बाबू, तुमने मेरी बरतों को निराशा को आशा बना दिया। आज मैं राधावन की नाचूंगी। राज, ये क्या खेल बचाया है तुमने? कहाँ है गरीब कलर और कहाँ लखपति की लड़की? कुछ तो सोचा होता। लेकिन पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। समझ में नहीं आता कि तुम्हें हो क्या गया है? दिल्ली के सबसे बड़े सेठ से तुम्हारी शादी हो रही है और तुम एक भिखारी के ख्वाब देख रही हो। खानदान की इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है क्या नहीं? पिताजी, दिमाग आपकी बात मानता है मगर दिल नहीं मानता। मैं उन्हें दिल में अपना पति मान चुकी हूँ। तुम तो पति मान चुकी हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। और मैंने उसे यकीन दिला दिया है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती, और वो अपनी किस्मत को रोता हुआ दफ्तर से भी चला गया है। सुना तुमने? पिताजी, ये क्या किया आपने? चुपके चुपके ओ चुपके चुपके मेरे दिल में आए हमरा रे।
चुपके चुपके बेचैन हुई जब हार कर बेचैन हुई जब हार कर आए गिरधारी धीरे धीरे ओ धीरे धीरे मेरे कानों में कहा ओ राधा प्यारे चुपके चुपके दिल ने कहा प्रेम की तो गाया जा बासुर तेरा गिन लुटाया जा बासुर तेरा गिन लुटाया जा ओ गाते गाते ओ गाते गाते मतुआ जी बना मेरे बनवारे चुपके चुपके ओ चुपके चुपके मेरे दिल में आई हमदारे चुपके चुपके राधा बंद करो ये प्रोग्राम पैलेस थिएटर बम्बई से रिले हो रहा है अब मिस्टर मुरारी लाल एक गीत सुनाएंगे राधा चलने दो राधा मुरारी बाबू का पता मिल गया मैं अभी उनसे मिलने जाती हूँ दिल मुझे रोने दे आबाद नहीं होता आबाद नहीं होता बर्बाद तो होने दे दिल मुझे रोने दे दिल मुझे रोने दे बाबू बहुत अच्छा रहा आपका गीत तू क्या बात है कुछ तबीयत खराब है घुंघरू इन्हें होटल ले जाओ चलिए मुरारी बाबू हाँ देखिए मैं नेशनल थिएटर कलकत्ते का मैनेजर हूँ आप हमारे थिएटर में शामिल हो जाइए जितनी तनख्वाह कहेंगे दूंगा हाँ आज ही रात की गाड़ी से मैं कलकत्ते जा रहा हूँ चलिए मेरे साथ जी नहीं माफ कीजिए मैंने इनसे एग्रीमेंट कर लिया है अंदर जाने की इजाजत मुझे मुरारी बाबू से बहुत जरूरी काम है मुझे अंदर जाने दो घुंघरू इन्हें ले जाओ मैनेजर साहब समझ गए ना आप जी हाँ आपको मुरारी बाबू का पता मालूम है कौन तुम यहाँ कैसे मैंने कहा मैं मुरारी बाबू से मिलने आई हूँ कहाँ है वो कहीं भी हो अब उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं वो दिन गए जिनके तुम ख्वाब देख रही हो अब वो मेरी कंपनी मेरे साथ रहेंगे उनका मुझसे एग्रीमेंट हो चुका है ये देखो तो क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकती क्या करोगी मिलकर उन्हें तो तुम तबाह कर चुकी अब और क्या करती हो ये क्या कह रही हो ठीक कह रही हूँ तुम जैसे अमीरों के लिए तो मोहब्बत एक खिलौना है जब भी चाह खेल लिया जब भी चाह तोड़ दिया मैंने कहा अगर मैं मोहब्बत को खिलौना समझती तो ठोकरें खाते हुए तुम्हारे पास न आती ये सब कुछ पिताजी की वजह से हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं मैं उन्हें एक बार अपना कह चुकी और हमेशा कहती रहूंगी तुम उन्हें अपना कहती रहो लेकिन अब मैं उन्हें तुम्हारा ना होने दूंगी राजकुमारी खेल का रुख बदल चुका है कल मैं हारी हुई थी आज तुम लूटी हुई हो कल मैं उन्हें तुमसे लेना चाहती थी आज तुम उन्हें मुझसे मांगने आई हो इतनी मुश्किल से हासिल की हुई दौलत तुम्हारे कुछ आंसुओं से लिए दे तुम मैंने कहा ये आंसू मेरी आंखों के नहीं दिल के हैं इन आंसुओं में मेरी आशाओं का खून है तुम्हारे आंसू खून के हैं और मेरे आंसू पानी थे मैं भी तो रोती रही हूँ मैं भी तो आंसू की ठंडी आग में चलती रही हूँ राजकुमारी दूसरों की जिंदगी तबाह करना आसान है खुद तबाह होना आसान नहीं अब किस लिए रो रही हो जाओ अपनी लूटी हुई जिंदगी को संभालो मुझे अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं मुझे ख्याल है उनकी जिंदगी का तुमने देखा होगा वो कितने परेशान हैं कितने बेचैन हैं उनका दिल टूटा हुआ है वो गाते भी हैं तो रोते हुए मैंने कहा मैं उनकी ये हालत नहीं देख सकती उनकी जिंदगी के लिए उनको तरह तरह का मिटने से बचाने के लिए मुझे बता दो वो कहाँ है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ
क्या कर रही हो नैनिका? तुम समझती हो राज को छुपा कर मुरारी को अपना बना सकोगी? कभी नहीं। तुमने उन्हें अपना बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बेकार। तुम्हारा नाच, तुम्हारा गीत, तुम्हारी मुस्कुराहट उसे खुश न कर सकी। देखो नैनिका, राज उसे खुश रख सकती है। अगर तुम सचमुच मुरारी से प्यार करती हो तो उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दो। राजकुमारी, मुरारी तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। ये कागज की जंजीरें उसे पैर नहीं कर सकती। वो वेस्टर्न होटल में है, जाओ उनसे मिलो। मैंने कहा मैनेजर साहब जी, मेरा सामान तैयार करवा दीजिए, मैं अभी कलकत्ते जा रही हूँ। अभी? मगर हम सबको तो कल जाना था। नहीं, मुझे अभी जाना है। कल आप पार्टी के साथ आ जाइएगा। बहुत अच्छा। देखिए, किसी से जिक्र न कीजिएगा। हेलो, कौन मुरारी बाबू? मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, आप फ्री हैं। हेलो मेनका, मेनका, हेलो। अजीब बात है, क्या हुआ? मैनेजर साहब, कहाँ? हमें नहीं मालूम। ये अभी पहली है, बम्बई से निकलने का एक मौका मिला था। तो थिएटर कलकत्ता के मैनेजर से मिले, वो आपको थिएटर में शामिल होंगे। गाड़ी का वक्त, गाड़ी बाबू है नहीं यहाँ? जी नहीं, अभी अभी गए हैं। कहाँ? शायद अपने होटल में गए हो। चलो ठीक है, ठीक है। मुरारी बाबू तो स्टेशन चले गए। दिल से पूछती हूँ कहाँ है
मेरा सुहा कहाँ है मेरा सुहा, मैं दिल से पूछती हूँ कहाँ है मेरा सुहा कहाँ है मेरा सुहा, दिल मुझसे पूछता है दीवाना कहाँ गया राधा, राज कहाँ है? अपने कमरे में है, बहुत उदास है। राज, तुम अभी तक उदास हो? कुछ असर नहीं हुआ मेरे कहने का? ये देखो आज फिर दिल्ली से अजीज मगन के पिता का खत आया है, वो कहते हैं कि शादी का जल्द इंतजाम होना चाहिए। मुझे मौत से क्यों नहीं ब्याह देते पिताजी, जहर क्यों नहीं दे देते? क्या कहती हो, वो भी जमाना था जब लड़कियां शादी की बात करते हुए शर्माती थी, कैसा जमाना हो गया? पिताजी ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत का सवाल नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो हमारा कलर कभी तक तुम्हारी याद में बसा है। तुम जानती हो मेरी दौलत मुरारी जैसे 50 भिखारियों को खरीद सकती है। आसमान को जमीन पर लाने की कोशिश मत करो राज, बड़े से बड़ा खानदान मुझसे तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए बेकरार है। दौलत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत मेरी गुलाम है। हेलो सेठी, दफ्तर में जल्दी आइए। क्यों, क्या बात है? आज मार्केट की रिपोर्ट बहुत खराब है, उनका भाव एकदम फिट से गिर गया है। मैं भी आता हूँ। का फोन है? श्यामलाल का। इधर लो। हेलो। हेलो सेठ साहब, आपके नाम 1.5 लाख का क्लियरिंग का भुगतान निकलता है। कोई परवाह नहीं, भाव क्या निकला? 190, 5000 गांठ और खरीद लो। सेठ साहब क्या कर रहे हैं आप? मार्केट मंदी जा रही है। फिर क्या हुआ, कभी ना कभी तो तेजी में जाएगी। हेलो सेठ साहब, भाव 170 तक गिर गया, 3 लाख रुपए का भुगतान भेजिए। हेलो सेठ ज्वाला प्रसाद, सेठ जी भाव 150 निकला, 8 लाख रुपए भुगतान का इंतजाम कीजिए। मिस्टर मेहता मर्चेंट्स बैंक, रुपए का इंतजाम हुआ? नहीं जी। हेलो मिस्टर मेहता, क्या आप मुझे 8 लाख रुपए एडवांस कर सकेंगे? 8 लाख? आई एम सॉरी सेठ साहब। एक उपाय है, अगर राज की शादी जल्दी हो जाए तो दिल्ली से मदद मिल सकती है। किताब दिल्ली भेज दो एक्सप्रेस। देखो राज, मैंने दिल्ली तार दे दी है, चंद दिनों के अंदर अंदर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अब मुझे परेशान न करना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, समझी? मैंने तो पहले ही आपसे कह दिया है, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, और अब भी आप न समझे तो ये आपकी मर्जी। हाँ ये मेरी मर्जी है, और मैं देखूंगा कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ कितना चलती हो। राधा, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं, मैं यहाँ रहकर अपनी जिंदगी को अपनी ही आंखों के सामने लुटते हुए नहीं देख सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा, मुझे कहाँ जाएंगे आप? ये मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ कुछ मत ले जा, कहाँ तुझे मालूम होता वो कहाँ है? Thank you.
अपना निकला है वो बेगाना समझे तुझसे अपना निकला है वो बेगाना तू याद न कर उसको तू याद न कर उसको अब है दिल दीवाना तू याद न कर उसको अब है दिल दीवाना रोती हुई आँखों ने दोबारा कहीं देखी है रोती हुई आँखों ने दोबारा कहीं देखी है एक उनसे नजर मिलना एक उनसे नजर मिलना एक उनसे बिछड़ जाना एक उनसे नजर मिलना एक उनसे बिछड़ जाना खाने के लिए खाए पीने के लिए आंसू खाने के लिए खाते पीने के लिए आंसू तकदीर में लिखा है तकदीर में लिखा है बन बन के बिगड़ जाना तकदीर में लिखा है बन बन के बिगड़ जाना तकदीर की मर्जी है तकदीर की मर्जी है सोती है तो सोने दे दिल मुझे रोने दे दिल मुझे रोने दे दिल मुझे रोने दे कौन है तुम यहाँ भी परेशान करने चली आई मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी मुरारी लेकिन तुम्हारे गीत ने मुझे बुला लिया वो गीत स्टेज के लिए नहीं था तुम्हारी ही दर्द भरी कहानी का एक टुकड़ा मालूम होता था तो तुम मेरा दर्द बताने आई हो पहले अपने दिल से पूछ लो वो कोई और फरेब तो नहीं करना चाहता तुमने औरत का दिल नहीं देखा मुरारी तुमने दिल तोड़ना सीखा है टूटे हुए दिल को देखना नहीं सीखा औरत का दिल एक बार नहीं दो बार देख चुका हूँ अब और कुछ नहीं देखना चाहता एक तुम हो जिससे मैं मोहब्बत नहीं करता लेकिन तुम हाथों में दिल लिए फिरती हो एक वो है राजकुमारी जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसने मेरा दिल खिलौने की तरह तोड़ दिया अब और क्या देखना रह गया है मुझे औरतों से नफरत है अपनी हमदर्दी अपने पास रखो चली जाओ यहाँ से जाओ मैं चली जाती हूँ लेकिन मुझे डर है राजकुमारी तुम्हारी याद में घुल घुल कर जान दे देगी अब तुम्हारी मर्जी उसकी खबर लो या न लो मेनका सुनो तो जो कुछ तुमने कहा वो सच है बताओ मेनका मुरारी बाबू बम्बई में जब तुम उस रात थिएटर से चले आए तो राजकुमारी तुम्हारी तलाश करते हुए मेरे पास आई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया क्या बता दिया दौलत के पुजारी सेठ ने तुम्हें गरीब समझ कर तुम दोनों को जुदा करने के लिए चाल चली और तुम कुछ न समझ सके मुरारी बाबू तुम्हारी मोहब्बत ही राज की जिंदगी है मैं तुम दोनों के दरमियान दीवार बनना नहीं चाहती थी इसलिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और राजकुमारी को तुम्हारी तरफ भेजकर खुद यहाँ चली आई मेनका तुम देवी हो मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें समझने में हमेशा भूल की अब इन बातों का वक्त नहीं हमें राजकुमारी का ख्याल करना चाहिए हाँ पता नहीं उस बेचारी की क्या हालत होगी उसकी हालत उस फूल की तरह होगी जिसे माली ने बुलबुल से जुदा करके उसकी सारी मुस्कुराहट छीन ली हो गुरु अब तुम्हारी बारी है चतुर स्टेज पर मैनेजर साहब प्रोग्राम में जो मेरा गाना था उसकी जगह मुझे एक और गाना याद आया है मैं वो सुना दूँ हाँ हाँ Thank you.
देवी आपका ख्याल है मुझे बंबई जाना चाहिए। हाँ आप जरूर जाके राजकुमारी से मिले। लेकिन उसके पिता को दौलत पर इतना गुरूर है कि वो बात करना पसंद नहीं करेंगे। देखिए मुरारी साहब, तमाम अखबारों में आपके गाने की तारीफ लिखी है। ठहरो घुंगरू, बंबई के अखबारों में भी है जी। क्या क्या हुआ मुरारी बाबू? राज के पिता सेठ ज्वाला प्रसाद दिवालिया हो गए। दिवालिया? अच्छा हुआ सेठ जी का दिमाग आसमान पर था। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि राज का क्या हाल होगा? तुम फौरन बंबई जाओ। लेकिन हमारा यहाँ 5 दिसंबर को जरूरी प्रोग्राम है। तो इतना भी क्या जरूरी है? मेनका देवी, मेरे पहले गीत मेरा दिल बहलाने के लिए थे, लेकिन इस कौमी गीत में हिंदुस्तान के 40 करोड़ इंसानों के दिल धड़क रहे हैं। बस इस गीत के खत्म होते ही मैं पहली गाड़ी से बंबई चला जाऊंगा। अगर तुम रुकना ही चाहते हो तो सेठ जी को अभी हमदर्दी का खत लिख दो। अच्छा मैं जाती हूँ, 5 दिसंबर को बंबई जाते वक्त मैं होटल में मिलूंगी। जब तक मैं तुम्हें बंबई रवाना न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। अच्छा नमस्ते। गुरु जरा कागज कलम ले आना।
आपकी चिट्ठी है मुरारी लाल जगन्नाथन संत देहली। ज्वाला प्रसाद जी नमस्ते। आपके दिवालिया होने की खबर अखबार में पड़ी। मुझे आश्वस्त कहना पड़ता है इस हालत में मैं आपकी लड़की से शादी नहीं कर सकता। आपका मगनलाल। ज्वाला प्रसाद जी नमस्ते। आपके दुख से मुझे पूरी हमदर्दी है। अगर मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो हाजिर हूं। आपका मुरारी लाल। रामचंद्र आज मुझे मालूम हुआ कि जब मुसीबत पड़ती है तो दौलतमंद साथी साथ नहीं देते बल्कि ठुकराए हुए गरीब काम आ जाते। मुरारी ने मेरी आंखें खोल दी। दौलत तो छांव है, आज यहाँ कल वहाँ, चली गई तो कुछ परवाह नहीं। अब मुझे अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखना है, उसके दिल की खोई हुई दौलत उसे वापस देनी है। रामचंद्र मैं राज को लेकर मुरारी से मिलने कलकत्ते जा रहा हूँ। दफ्तर का ख्याल रखना। बहुत अच्छा। राज 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 राधा राज कहाँ है? हैं? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? जवाब क्यों नहीं देती? राज कहाँ है? पिताजी, बचपन से लेकर आज तक आपने अपनी लाडली बेटी को सब कुछ वे मांगे दिया, और जब उसने कुछ मांगा वो जो लड़की जिंदगी में एक ही बार मांगती है तो आपकी दौलत ने उसे ठुकरा दिया। ये आलीशान मकान, ये मखमल के सुनहरे बिस्तर, ये सोने और चांदी की गहने मुझे मेरे दिल की सुखी ना दे सके। काश मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती। मजबूर होकर जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे कितनी गलती हुई। राधा मेरी बेटी कहाँ गई? भगवान जाने। राधा तुम उसकी सहेलियों के यहाँ जाकर पूछो, मैं स्टेशन पर जाकर पता करता हूँ। रेड क्रॉस में शामिल हो जाओ। रेड क्रॉस में शामिल हो जाओ। भूखों की सेवा के लिए कलकत्ते चलो। भूखों की सेवा के लिए कलकत्ते चलो। खैरो बहनों और भाइयों, उस उड़ते हैं बंगाल की फरियाद सुनो, जहाँ दम तोड़ती ही माँ की गोद में भूखी बच्ची बिलक रही है। जहाँ बाप के सामने बेटा, बीवी के सामने शौहर, माँ के सामने बेटी मौत के मुँह में जा रही। इसमें शक नहीं, दुनिया में हर एक के लिए दुख है, गम है, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर बंगाल में जाओ, जहाँ दुनिया भर के दुख आंसू बनकर आंखों में समा गए हैं। रेड क्रॉस बुला रही है, चलो उनकी सेवा करो, गरीबों की दुआएं लो। चलो भाइयों, भूखे बंगाल की सहायता करो। भूखे बंगाल की सहायता करो। भूखा बंगाल तुम्हें पुकार रहा है। भूखा बंगाल तुम्हें पुकार रहा है। रेड क्रॉस में शामिल हो जाओ। रेड क्रॉस में शामिल हो जाओ। राधा जी, क्यों कुछ पता मिला? नहीं सेठ जी, मैंने भी बहुत तलाश की लेकिन सब बेकार। अब सिर्फ एक ही जगह बाकी है जहाँ से कुछ पता मिल सकता है। मुरारी कलकत्ते में है, शायद उससे मिलने वही गई होगी। हाँ सेठ जी, अब जरूर वहाँ जाए, कुछ ना कुछ पता मिलेगा। तो राधा मेरा सामान बांधो, मैं अभी कलकत्ते जा रहा हूँ। घुंगरू कहाँ थे तुम? देखते नहीं थिएटर का वक्त हो गया, फिर उसके बाद हमें बॉम्बे की गाड़ी पकड़ना है, जल्दी तैयार हो जाओ। लेकिन मुरारी बाबू, आज बाहर न जाए तो अच्छा है, लोग परेशान होकर भागे जा रहे हैं। बाहर शोर मचा हुआ है कि जापानी बमबारी करने वाले हैं। डर गए घुंगरू? मेरी तरफ देखो, जिंदगी में कितनी बार आसमान ने मुझ पर बम बरसाए, कौन सी मुसीबत सब मुझ पर नहीं चुकी, लेकिन मैं एक निडर सिपाही की तरह अपने जख्मों को छिपाए हुए आगे ही बढ़ता रहा। घुंगरू तुम कहते हो बाहर खतरा है, कुछ भी हो हम आज अपना प्रोग्राम जरूर करेंगे। यही वक्त है वो गीत सुनाने का। उस गीत में बताया गया है वतन को दुश्मनों से बचाने के लिए बहादुर सिपाही मैदान जंग की तरफ जा रहा है, और जब वो चलता है तो उसके साथ साथ ये आवाज गूंजती है, वतन से चला है वतन का सिपाही। वतन से चला है वतन का सिपाही, वतन से चला है
वो नारे लगाता हुआ वो झंडे उड़ाता हुआ वो नारे लगाता हुआ वो झंडे उड़ाता हुआ करे गए अब दुश्मनों की तबाही करे गए अब दुश्मनों की तबाही वतन से चला है वतन का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही ये पैगाम जिंदा करेगा कृष्ण का ये पैगाम जिंदा करेगा ये प्रताप का नाम जिंदा करेगा ये प्रताप का नाम जिंदा करे रुकेगा ना हरगिज गुरु का सिपाही रुकेगा ना हरगिज गुरु का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही ये बाबर की शमशीर लेकर चला है ये बाबर की शमशीर लेकर चला है ये अकबर की तकदीर लेकर चला है ये अकबर की तकदीर लेकर चला है इधर इसका नेता उधर बादशाही इधर इसका नेता उधर बादशाही वतन से चला है वतन का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही अभी याद होगा वो अभिमन्यु वीर अभी याद होंगे वो लौकिक के तीर अभी याद होगा वो अभिमन्यु वीर अभी याद होंगे वो लौकिक के तीर हुमायूं ने बचपन में मारा था शेर हुमायूं ने बचपन में मारा था शेर हम भी बहादुर हैं हम भी दलेर हम भी बहादुर हैं हम भी दलेर दिल है बड़ा और छोटा है राहे दिल है बड़ा और छोटा है राहे वतन से चला है वतन का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही वतन से चला है वतन का सिपाही प्लीज माफ कीजिए हमें जल्दी जाना है चलो बाबूजी इनका इंतजार कर रही होगी क्यों साहब मिस्टर मुरारीलाल किस कमरे में है वो इस वक्त होटल में नहीं नेशनल थिएटर में गए हैं अभी वो यही आएंगे आज रात 8:30 की गाड़ी से उन्हें बम्बई जाना है बम्बई जाना है अच्छा तो मैं यही इंतजार करता हूँ जल्दी उतरिए साहब हवाई हमला शुरू हो गया है हवाई हमला कर दिया है शायद कुछ दस्ते हमारे हॉस्पिटल भेज जाए बम्बई रेड क्रॉस के समीप पर तैयार रहे चलो चलो जल्दी करो अब क्या करें इस गाड़ी से न गए तो जाना मुश्किल हो जाएगा गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी लेकिन मुझे तेरा ख्याल घुंगू कहीं आप मेरी फिक्र न करें रास्ता आपको और राजकुमारी को मिला सकता है उस रास्ते पर अगर मेरी जान भी चले जाए तो कोई परवाह नहीं आपकी दुख आई है तो कुछ रश्मि हमारे यहाँ भेजी जाएंगी मैं ड्यूटी का प्रोग्राम बनाता हूँ चंपा कहाँ है यही कहीं होगी अच्छा तुम सब तैयार रहना चंपा कहाँ गई थी मैं कंसर्ट में गई थी एक नौजवान ने बहुत अच्छा गीत सुनाया अगर कल इसका प्रोग्राम होता तो मैं तुम्हें भी ले जाती मगर वो आज बॉम्बे जा रहा है अजीब आदमी है देखो ना क्या ऑटोग्राफ किया चंपा ये तो वही है जिनके मैं तुमसे जिक्र किया करती थी वो बॉम्बे जा रहे हैं मैं भी कहीं जाती हूँ कहाँ जा रही हो बाहर तो बमबारी हो रही है अब मैं नहीं रह सकती प्रोग्राम बन गया प्रतिमा कमरा नंबर 5 आधा नंबर 6 राजकुमारी नंबर 7 राजकुमारी 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 राजकुमारी
कहाँ जा रही है आप? मैं जिसके इंतजार में थी तलाश में जाते हो। लेकिन बाहर तो बम बरस रहे हैं। मैं आरसी के मोटर का इंतजाम करूंगी, उनकी जान का खतरा है थोड़ी। लेकिन क्यों? मैनेजर साहब, क्या बात है? हम मुरारी का पता कैसे करूँ? आप घबराइए नहीं, हमला खत्म होने के बाद एआरपी के दफ्तर से पता करें। राजकुमारी, राजकुमारी, मैंने कहा तुम यहाँ नर्स के लिबास में, ये तुम्हें कौन पुकार रहा है? मुरारी बाबू बम्बई जा रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे स्टेशन ले चलो। लेकिन वो स्टेशन पर नहीं है। तो कहाँ है वो? मैं भी जाकर उन्हें ढूंढती हूँ। नहीं, उन्हें ढूंढना तुम्हारा काम नहीं, तुम एक नर्स हो, नर्स दूसरों के जख्म देखती है, अपने नहीं। तुम इन जख्मियों को छोड़कर कैसे जा सकती हो? लेकिन मुरारी बाबू, ये जख्मी भी तो किसी की मुरारी है, तुम इनका ख्याल करो, मैं तुम्हारे मुरारी को ढूंढती हूँ। जाओ राज, फर्ज तुम्हें बुला रहा है। मैंने कहा अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है, तुम फिक्र न करो राज। हम आपसे मिलने बम्बई जा रहे थे, रास्ते में मुरारी बाबू जख्मी हो गए। बेहोश होने से पहले इनकी जबान पर आपका ही नाम था। डॉक्टर, बांग के दर्दों का आंखों और कानों पर असर हुआ है, अभी इनका ऑपरेशन करते हैं। चलो ले चलो। मिस्टर मुरारी लाल जो नेशनल थिएटर में काम करते थे, उनका कुछ पता मिला? मुरारी लाल जी? हाँ, वो मशहूर गाने वाले। जी जी, उनका कोई पता नहीं मिला, हमने तो अखबार में पढ़ा है वो बम्बई जा रहे थे। देखिए, मैं बम्बई जा रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस, मुरारी का पता मिलते ही मुझे तार दीजिए। बहुत अच्छा, माफ कीजिए, मैं पूछ सकता हूँ मुरारी लाल आपके कौन है? मुरारी लाल वो मेरा बेटा है। नर्स, मेरी आंखों का क्या होगा? फिक्र ना कीजिए, ऑपरेशन कामयाब रहा है। अच्छा, लेकिन मेरा साथी घुंघरू कहाँ है, उसे बुला दो। वो बाहर गया। घुंघरू, तुम होटल जाकर मैनिका का पता करो। नर्स, कहिए पट्टी कब खुलेगी? हमें जल्दी बम्बई जाना है। बॉम्बे? मैं भी बॉम्बे की रहने वाली हूँ, आपका घर वहाँ है? घर तो नहीं, हाँ उजड़े हुए घर का निशान वही है। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? कहते हैं गम सुनाने से गम हल्का हो जाया करता है। फिर ज्वाला प्रसाद की लौकी को जानती हो तुम? कौन? राजकुमार? वो तो मेरी सहेली है। मैं उसी से मिलने बम्बई जाऊँगा। और अगर उसे आपकी यही मुलाकात करा दूँ तो आप मुझे क्या देंगे? जो मांगोगी दूंगा नर्स, जिंदगी मांगोगी तो वो भी तुम्हारे कदमों से रख दूंगा। मैं आपसे आपको मांगती हूँ। तुम मजाक कर रही हो नर्स? नर्सें जख्मों का इलाज किया करती हैं, उन पर नमक नहीं छिड़का करती। मैं मजाक नहीं करती, आंखें खुलते ही आप राज को देख लेंगे। अच्छा, मुरारी बाबू कहाँ है? उनका तो कोई पता नहीं। शरारती कहीं का तुझे पता है, बताता क्यों नहीं? आइए बताता हूँ। नर्स कहाँ है? मैं ही तो पट्टी खोल रही हूँ। तो नर्स, तुम्हें अपना वादा याद है कि आज रात से मुलाकात कराओगी? हाँ याद है। लेकिन हमें तो यकीन नहीं आता। अभी आपको यकीन आ जाएगा, लीजिए वो आ भी गयी। राज, जब तक आप मेरी सेहत पूरी नहीं करेंगे वो आपसे बात नहीं करेंगे। अब आप मेरे हुए। राज? नहीं, अब आप मेरे हो चुके, राज का आप पर कोई हक नहीं। लेकिन तुम यहाँ? आप ज्यादा बातें मत कीजिए, अभी आप कमजोर हैं, मैं सब कुछ बता दूंगी। ये चुपके चुपके क्या बताया जा रहा है? मैं अब तो बम्बई जाकर ही सब कुछ बताइएगा। मेरी तोबा, मैं बम्बई नहीं जाऊंगी, पिताजी बहुत नाराज होंगे। अब तो वो और भी नाराज होंगे, वो यहाँ आए और आपसे मिल भी न सके। पिताजी यहाँ आए थे? हाँ, अपने बेटे को लेने। बेटा कौन? मुरारी लाल।
मुझे बेटा कहा उन्होंने। हाँ तो कहाँ है पिताजी? वो तो निराश होकर बम्बई चले गए। आपको फौरन बम्बई जाना चाहती है। नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं ड्यूटी छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तो तुम कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने पिताजी से तो मिला, तुम्हारी ड्यूटी मैं अदा करूंगी। नमस्ते। नमस्ते। सेठ जी बहुत परेशान थे, जाने से पहले तार दे दो तो अच्छा है। नहीं नहीं, हम अचानक पहुँचेंगे तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। है? जैसी आपकी मर्जी, लेकिन जल्दी जाइए। अच्छा अच्छा। क्यों रामचंद, कलकत्ता से डर कासी को तार आई, मुरारी का को पता चला? नहीं सेठ जी, लेकिन आप परेशान न हो, शायद कल तक आ जाए। नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं रामचंद, न मुरारी का पता है न राज का, अब उनसे मिलना मेरी किस्मत में नहीं। मैं जालिम हूँ, मेरा दिल पत्थर का है, मेरी बेटी नाजुक कली है, पत्थर और कली का क्या रिश्ता, अब वो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अच्छा रामचंद, अब तुम घर जाओ। जाओ बेटी कहाँ है? आपकी बेटी सेंट्रल होटल कलकत्ते में है, उसने यहाँ आने से इनकार कर दिया है, वो आपसे रूठी हुई है। कुछ भी हो मैं उसे मना कर लाऊंगा, अगर वो रूठी रही तो मुझे मौत के बाद भी चैन नहीं आएगा। मैं अभी कलकत्ते जाता हूँ। तेरी बेटी। पिताजी। तो इसने मुझे यही कहा था कि तुम कलकत्ते में हो? पिताजी ये हमेशा आपके खिलाफ बातें किया करते हैं। अच्छा तो ये बात है, चलो गाड़ी वाला। हमें तो कुछ गड़बड़ नजर आती है, कलकत्ते में तो सेठ साहब हमें बेटा कहते थे और यहाँ फिर आंखें दिखाने लगे। विक्टोरिया, अभी ये तो वही जालिम है जिसको 2 रुपए 12 में देने हैं। आइए। अमा पड़े मियाँ, 2 रुपए 12 में तो देने ही है, 4 में और दे देंगे। अभी चुप रहो, बस चले चलो। अरे मगर मैंने कहा राजकुमारी साहबा, आप हमें यहाँ ले तो हैं, लेकिन यार लोगों के पास किराया वगैरह कोई नहीं, कभी फिर झगड़ा न कीजिएगा। क्यों, क्या हुआ? मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों दीवाना साहब? थोड़ी सी खुशी जो दिल में पैदा हुई है वो शेर साहब की गुस्से भरी तस्वीर देखकर जाती रहेगी। छोड़िए जी, आइए ना। ये मुरा म्यूजिक स्कूल, ये एक स्टूडेंट तो मिल गया आपको, मतलब ये हुआ कि आप 2 घड़ी में मुरली आ जाएगी। हट। चलिए सर बाहर चले, पंछी हमें बुला रहा है। चांद मैं क्यों पूछूं, क्या इसी का नाम है प्यार, क्या इसी का नाम है प्यार। मैं खूब समझता हूँ, मैं खूब समझता हूँ, ये किसी का नाम है प्यार, ये किसी का नाम है प्यार। है चांद